लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जुगाड़ू नंबर वन, कृष्णा अभिषेक। जी हाँ, कृष्णा ही तो है सबसे बड़े जुगाड़ू। कलर्स चैनल पर आए तो थे केवल एक शो कॉमेडी बचाओ के लिए, मगर जुगाड़ करते करते दूसरा शो भी अपनी झोली में भर लिया। अरे भाई, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो खुद कृष्णा का दावा है कि वो सबसे बड़े जुगाड़ू हैं। एज एन एक्टर इससे बड़ा जुगाड़ क्या हो सकता है, कॉमेडी नाइट्स मैं कर रहा हूँ। जुगाड़ा है आपने कॉमेडी नाइट्स? जुगाड़ा है आपने कॉमेडी? मैंने नहीं जुगाड़ा है, लेकिन ये किस्मत भी ऐसी है कि जुगाड़ भी था, क्योंकि हम जुगाड़ से तो घुसे थे कलर्स में बचाओ लेकर, आपको पता ही है। वो बहुत बड़ा जुगाड़ था हमारा और ऑप्टिमिस्टिक्स का, विपुल शाह जी का, कि हम सैटरडे को तो आ गए। अब हमको क्या पता था कि जुगाड़ इस लेवल का हो जाएगा कि संडे का भी हम लोग ले लेंगे। तो इससे बड़ा जुगाड़ का टेलीविजन पे आज की डेट में, अब जब तक कपिल का शो आ नहीं रहा है, आज की डेट में हिंदुस्तान के दो सबसे बड़े कॉमेडी शोज कौन से, आप मुझे बताइए। आपको भी पता है? बस ठीक है, तो अब क्या इससे बड़ा जुगाड़ू क्या हो सकता है भाई। वाह कृष्णा, आप सच में नंबर वन जुगाड़ू निकले, एक के बदले दो शोज, इसे ही तो जुगाड़ कहते हैं। और अब तो आपकी फिल्म फुल टू जुगाड़ू भी आने वाली है, जिसमें आप एक खतरनाक जुगाड़ू आदमी की भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में रियल लाइफ में जुगाड़ू होना तो बनता है ना। बहुत सारे जुगाड़ किए हैं। मसलन मैं जब कॉलेज वॉलेज में था ना, स्कूल में भी बहुत कॉपी करता था मैं, कॉलेज में मैंने अपने एक दो जुगाड़ करके दोस्त फंसाए थे, जो मुझे पता था कि ये मेरे आगे बैठने वाले हैं। तो जब मुझे पता हो जाता था कि एग्जामिनेशन में जब ये बंदा मेरे आगे बैठेगा और एक मेरे पीछे बैठेगा, तो मैं उनसे इतनी अच्छी दोस्ती करता था, उनको खिलाता पिलाता था। तो वो मेरा सबसे बड़ा जुगाड़ था कि मैं पेपर जो है देख देख के कॉपी कर करके लिखता। मुझे पता है ये जब स्टूडेंट्स या टीचर्स देखेंगे बड़ी गालियाँ देंगी मेरे को, लेकिन कॉपी सब करते हैं। और पैसे के जुगाड़ में भी बहुत अच्छा था मैं, घर से सिर्फ 2000 रुपया मुझे कॉलेज टाइम में मिलता था, लेकिन पैसे का मैं बहुत अच्छा जुगाड़ कर लेता था, इधर उधर से मामा से ले लेता था कुछ बोल के, कुछ के मेरे कुछ ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, तो जुगाड़ करके मैं अपनी लाइफ तो अच्छी निकाल ली। वैसे कलर्स पर कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को रिप्लेस करने के बाद कृष्णा के शो को अच्छी खासी टीआरपीज मिल रही है, मगर अब बहुत ही जल्द यानी 23 अप्रैल को कपिल शर्मा का शो भी आ रहा है। तो ऐसे में कृष्णा का दिल क्या कहता है, जरा ये भी सुन लीजिए। हाँ, प्रोमो देखा है और ये भी सुना है कि वो कहते हैं कि 10 बजे के बाद सो जाना। 10 बजे के बाद क्यों सोना, 10 बजे को मेरा शो आता है, वो सब देखेंगे, क्यों सोएंगे सब लोग। और कपिल ने भी दो दिन पहले कहा कि मैं कृष्णा पे डिग नहीं करूंगा, है ना, कृष्णा की टेल नहीं खींचूंगा, ऐसा बॉम्बे टाइम्स में आया था अभी। अगला साल मैं वही पूछने वाला था। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया। तो उसने बोला कि मैं कृष्णा पे डिग नहीं करूंगा, लेकिन ये इससे बड़ा डिग क्या है कि 10 बजे सो जाना। उनका शो 9 बजे आया, क्योंकि उनका शो 9 बजे आता है। तो मैंने भी कहा था जब माधुरी जी मेरे शो पर आई थी, उन्होंने कहा यहाँ तो बड़े अच्छे लोग थे पहले, मैंने कहा हाँ माधुरी जी अच्छे लोग जिंदगी में कहाँ टिक पाते हैं। तो वो भी एक डिग था और हम लेग पुलिंग थी। एक्चुअली पता क्या है, इस तरीके की लेग पुलिंग जो है ना लोग इंजॉय करते हैं। हम कुछ ज़्यादा डेरोगेटरी तो नहीं कह रहे, कपिल से बढ़िया आर्टिस्ट कोई नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो। और अपना शो इतना बड़ा चलाना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल कोई छोटी बात नहीं है हिंदुस्तान में, और लोग उन्हें प्यार भी बहुत करते हैं और वो अपना शो लेकर, इसलिए मैंने कहा ना अभी तक दो ही बड़े शो हैं, जब कपिल आ जाएंगे तो तीन सबसे बड़े शो होंगे। अच्छा, अब वो किसका पहले नंबर पे है किसका दूसरे नंबर पे, वो तो टीआरपी के बाद और चीज़ों के बाद पता चलेगा, लेकिन वो बहुत बढ़िया शो तो लेकर आएंगे, क्योंकि वो एज एक आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, उसके साथ साथ ना इंटेलिजेंट भी बहुत है। उनको पता है कि मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा, मैं ये करूँगा तो ऐसा होगा। वो आने को तो 10 बजे भी आ सकते थे। चुनौती के लिए आप तैयार हैं, आपका ये कहना? या पता है क्यों, एक बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तक जितना बड़ा कंपटीशन, मुझे नहीं लगता एक डिकेड में टेलीविजन पे इस तरीके का कंपटीशन अभी तक आया होगा किसी दो बड़े शोज को लेकर। वेल कृष्णा, आपके और कपिल के फैंस तो यही चाहेंगे कि आप दोनों के शोज को खूब सक्सेस मिले और दोनों अपनी अपनी जगह ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।